Good morning, dear students. Welcome to Jatin Academy. Today in this class, we will start chapter 2 of novel, The Coral Island, that is Ralph Sights the Coral Islands. So let's get started. यात्रा के पहले भाग के बारे में उल्लेख करने योग्य कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन जैसे ही हम केप हॉर्न के पास पहुँचे, नाविकों ने अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर तूफान और खतरों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा, मैंने इसके चारों ओर दो बार यात्रा की है और दोनों ही बार जहाज लगभग पानी से बाहर निकल चुका था। अन्य लोगों ने भी उस केप में आंधी के बारे में बात की। हम भाग्यशाली रहे कि हमें खराब मौसम का सामना नहीं करना पड़ा। जल्द ही हम एक गर्म उष्णकटिबंधीय हवा के बीच प्रशांत महासागर में पहुंचे। मुझे सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था। अंत में हम कोरल आइलैंड के पास पहुंचे। मैंने जो रोमांच और उत्साह महसूस किया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। नीले नीले समुद्र और आकाश के खिलाफ शुद्ध सफेद किनारे और हरे खजूर के पेड़ जैक और पीटरकिन को भी आकर्षित करते थे। वे भी इस अद्भुत दृश्य को निहारते रहे। यह सब मेरे लिए सपने जैसा था। लेकिन तभी एक बड़ी लहर हमारे स्टर्न पर टूट पड़ी और पतवार को फाड़ दिया। कप्तान ने विलाप किया और चेतावनी दी, लड़कों, नाव तैयार करो और द्वीप पर पहुंचो। हम सब चुप हो गए। जैक ने सुझाव दिया कि हम तीनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उसने महसूस किया, वह छोटी सी नाव हम सबको नहीं ढो सकती। यह जरूर पलटेगा। हम बल्कि ऊर से चिपके रहेंगे। क्या तुम मेरे साथ शामिल होगे? हम सहमत हुए क्योंकि जैक ने आत्मविश्वास दिखाया। लेकिन चट्टान से टकराती विशाल लहरों को देखकर मेरा दिल डूब गया। तब मुझे अपनी माँ के शब्द याद आए, राल्फ, मेरे प्यारे, खतरे की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करो। वही अकेला तुम्हें बचा सकता है। मैंने उसकी सलाह मानी। तभी एक राक्षसी लहर हमारी ओर आई। हम दौड़ पड़े। चप्पू लेकिन लहर डेक पर गिर गई। जहाज एक चट्टान से टकराया, सबसे आगे नाव और नाविकों को लेकर टूट गया। हम तीनों जंगली समुद्र में ऊर से चिपक गए। मेरे होश उड़ गए। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घास पर पड़ा हुआ पाया। पीटरकिन ने मेरी माथे के किनारे को पानी से नहलाया और मेरे सिर में घाव से खून रोकने की कोशिश की।